वेलकम टू द एसपी ट्यूटोरियल्स। अभी हम लोग बात करेंगे बैकग्राउंड रिपीट के बारे में। सीएसएस बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं ताकि कोई भी इमेज अगर हम लोग इंसर्ट करेंगे उसका रिपीटेशन को कंट्रोल करने के लिए हम लोग बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं। बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टी इज़ यूज टू रिपीट इमेज वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली। कोई भी इमेज अगर हम लोग इंसर्ट करेंगे उसको वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली रिपीट करने के लिए ये बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टी का 6 वैल्यू होता है। फर्स्ट जो वैल्यू होता है वो है रिपीट, जो ऑटोमेटिकली वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली रिपीट कर देता है। उसके बाद आता है नो रिपीट। नो रिपीट का इस्तेमाल करेंगे तब क्या होता है, बैकग्राउंड रिपीट नहीं होता है, सिर्फ एक ही बार इमेज इंसर्ट होता है। रिपीट एक्स का इस्तेमाल तभी करेंगे जब हम लोग हॉरिजॉन्टली बैकग्राउंड इमेज को रिपीट करना चाहते हैं, तब रिपीट एक्स का इस्तेमाल करेंगे। रिपीट वाई का भी इस्तेमाल करेंगे तब जब हम लोगों को इमेज वर्टिकली इंसर्ट करना है, दिखाना है, तब रिपीट वाई का इस्तेमाल करेंगे। इनिशियल मोड तभी हम लोग यूज़ करते हैं, जो डिफ़ॉल्ट मोड होता है वही होता है इनिशियल मोड। इसको इस्तेमाल करने का ज़रूरत नहीं होता है क्योंकि जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होता है वो है इनिशियल। उसके बाद आते हैं इनहेरिट में। बैकग्राउंड रिपीट इनहेरिट अगर हम लोग करेंगे इसके लिए हम लोगों को इनहेरिट प्रॉपर्टी इनहेरिट वैल्यू को इस्तेमाल करना पड़ेगा। जो पिछला एलिमेंट है उसका वैल्यू को इनहेरिट करने के लिए इनहेरिट वैल्यू का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए एग्जांपल लेके देखते हैं। प्रीवियस ट्यूटोरियल में हम लोग यूज़ किए थे एक हेडिंग को और एक इमेज इंसर्ट किए थे, जो कि आप लोग देख पा रहे हैं बैकग्राउंड इमेज में लिया था, उसका यूआरएल दिया था और यूआरएल का पैथ दिया था। यूआरएल का पैथ देने के बाद इसका जो रिपीट प्रॉपर्टी है ये ऑटोमेटिकली क्या होता है, इनिशियल मोड में रहता है, जो कि वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टली आप लोग देख पा रहे हैं। ये जो इमेज है ये ऑटोमेटिकली वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड पे आ गया है। H1 के अंदर मैं ये बैकग्राउंड इमेज लिया था, इसलिए H1 के अंदर जितना दूर तक डिस्प्ले में जगह था उसी जगह में ये इमेज इंसर्ट हो गया है। अब देखिए हम लोग बैकग्राउंड रिपीट का इस्तेमाल करेंगे। आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे एक ही इमेज बार बार रिपीट हो जा रहा है, ठीक है। जो यहाँ पे डॉलर साइन का इमेज है ये बार बार यूज़ होने के कारण ये जो इमेज है बार बार यहाँ पे आ गया है, ठीक है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए हम लोगों को बैकग्राउंड रिपीट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। बैकग्राउंड रिपीट लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें लिख देंगे नो रिपीट। उसके बाद यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा। रिफ्रेश करने के बाद आप देख पा रहे हैं जो बैकग्राउंड इमेज था वो एक ही बार आया है, ठीक है। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं जो डॉलर साइन था वहाँ पे एक ही बार आया है क्योंकि ये रिपीट नहीं हुआ है। इसके जगह मैं नो रिपीट को हटा देता हूँ, सिर्फ नो को हटा देता हूँ। उसके बाद रिफ्रेश करूँगा, देखिए फिर से ऑटोमेटिकली रिपीट हो गया है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, रिपीट एक्स के बारे में बात कर रहे थे, हम लोग क्या करेंगे रिपीट एक्स का इस्तेमाल करेंगे। रिपीट एक्स का इस्तेमाल जब करेंगे तब सिर्फ हॉरिजॉन्टली रिपीट होता है। आप लोग देख पाएंगे रिफ्रेश करने के बाद हॉरिजॉन्टल रिपीट हो गया है और नीचे में जो था वो लाइन गायब हो गया है, मतलब सिर्फ हॉरिजॉन्टली लाइन तक ही ये रिपीट होगा, ठीक है। अब देखिए एक्स के जगह मैं वाई कर देता हूँ। वाई करने के बाद मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूँगा। रिफ्रेश करने के बाद आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल लाइन में था वो चला गया है, पर वर्टिकल लाइन पे ये इमेज आ गया है। आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे दो इमेज है, जो फर्स्ट एक बार ऊपर में है, उसके नीचे में सेकंड इमेज है जो कि वर्टिकली है। अब देखिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इनिशियल ले लूँगा। इनिशियल लेने के बाद मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूँगा। रिफ्रेश करने के बाद आप लोग देख पा रहे हैं इनिशियल मतलब डिफ़ॉल्ट वैल्यू होता है, मतलब बैकग्राउंड रिपीट ऑटोमेटिकली हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली हो जाता है। अब देखेंगे कैसे इनहेरिट का इस्तेमाल करेंगे। इनहेरिट का इस्तेमाल हम लोग इसलिए करेंगे, जो
प्रीवियस प्रॉपर्टी का वैल्यू है उसको ही इनहेरिट करने के लिए, मतलब उसको ही इसी एलिमेंट पे यूज़ करने के लिए हम लोग इनहेरिट का इस्तेमाल करेंगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं एक डिव के अंदर मैं एक हेडिंग लिया हूँ। अब ये मेरा पेरेंट डिव है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पेरेंट। उसके बाद क्या करूँगा, पेरेंट डिव के अंदर ही और एक तो चाइल्ड डिव बनाऊँगा जिसका आईडी दूंगा चाइल्ड। उसके बाद इसी डिब को मैं ख़त्म कर देता हूँ। इसके अंदर मैं क्या करूँगा और एक H1 टैग लूँगा। आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे मेन डिब है जो जिसका नाम है पेरेंट। आप लोग देख पा रहे हैं इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कलर हो गया है। आप लोग देख पा रहे हैं ये यहाँ से लेके यहाँ तक आया है। इसके अंदर मैं एक चाइल्ड डिब लिया हूँ जो पेरेंट का चाइल्ड है, ये है यहाँ पे, ठीक है। जिसके अंदर और एक मैं H1 टैग लिया हूँ और पेरेंट के अंदर भी मैं एक टैग लिया था जो ये H1 टैग है, ठीक है। और चाइल्ड के अंदर भी एक H1 टैग लिया हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज ए हेडिंग टू। उसके बाद मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर देता हूँ। रिफ्रेश कर देने के बाद आप देख पा रहे हैं यहाँ पे फर्स्ट हेडिंग है, यहाँ पे सेकेंड हेडिंग है, ठीक है। अब क्या करूँगा, मान लीजिए मैं यहाँ पे जो पेरेंट है यहाँ पे मैं पेरेंट लिख देता हूँ, रिफ्रेश कर देता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद आप देख पा रहे हैं ये जो हेडिंग्स है ये हेडिंग के अंदर में बैकग्राउंड रिपीट हो गया है ऑटोमेटिकली। अब मैं क्या करूँगा, इसमें मैं रिपीट एक्स का इस्तेमाल कर देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर रिफ्रेश कर देता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद आप देख पा रहे हैं सिर्फ मैं पेरेंट पे अप्लाई किया हूँ जो कि पेरेंट डिब में अप्लाई हुआ है, पर देखिए H2 के अंदर अप्लाई नहीं हुआ है। H2 के अंदर भी अप्लाई करने के लिए क्या करूँगा, मैं यहाँ पे ले लूँगा चाइल्ड, यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज जो था वही सेम ले लेता हूँ यहाँ पे। पर देखिए यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा तो आप देखिए आप देख पा रहे हैं यहाँ पे फर्स्ट हेडिंग में एक ही रो में हराइजेंटली आया है और सेकेंड रो में मल्टीपल हो गया है, क्योंकि फर्स्ट पेरेंट में मैं रिपीट एक्स का इस्तेमाल किया था इसलिए हराइजेंटली रिपीट हुआ है, और सेकेंड चाइल्ड में मैं कुछ भी यूज़ नहीं किया हूँ। इसके लिए इनिशियल मतलब जो डिफ़ॉल्ट मोड है वो यहाँ पे आ गया है, जिसके कारण वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल दोनों ही ले लिया है। अब क्या करूँगा, मैं यहाँ पे बैकग्राउंड रिपीट का इस्तेमाल करूँगा जो है इनहेरिट। इनहेरिट करने के बाद क्या होगा, इसका जो पेरेंट था पेरेंट का जो बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टी था उसको क्या कर लेगा, यहाँ पे चाइल्ड में इनहेरिट हो जाएगा, मतलब इसका कॉपी ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। ये करने के बाद आप देख पाएंगे यहाँ पे जो रिपीट एक्स में यूज़ हुआ था वो भी रिपीट एक्स यहाँ पे भी आ जाएगा। रिफ्रेश कर देता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आ गया है। अब देखिए मैं यहाँ पे सिर्फ पेरेंट में ही चेंज कर देता हूँ, वाई करने के बाद देखिए दोनों में ही चेंज हो जाएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे रिपीट वाई का इस्तेमाल किया हूँ और यहाँ पे इनहेरिट। इनहेरिट मतलब यहाँ पे मैं कुछ भी चेंज करूँगा ऑटोमेटिकली यहाँ पे भी इनहेरिट हो जाएगा, ठीक है। तो यही है CSS का बैकग्राउंड रिपीट के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे बैकग्राउंड पोजीशन के बारे में। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए ग्रेट डे।